हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब प्रणाम सलाम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पायलट ऑन बोर्ड एंड दिस न्यू वीडियो माय पायलट जर्नी। वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था क्योंकि यार लास्ट में ना कई बार कोई लोग देखते नहीं है तो इसलिए पहले बताना ज़रूरी है। तो अब से ना पिछली वीडियो मैंने सुबह डाली थी और अब से मेरे सारे व्लॉग और वीडियो सुबह ही अपलोड हुआ करेंगे क्योंकि मेरे को फिर टाइम मिल जाता है रात को एडिट करने का और मेरा व्लॉग कम्प्लीट करने का भी। तो एक बात तो ये, और दूसरा ये मेरे को आपसे ना और ढेर सारी कमेंट्स चाहिए कि मेरा जो द कमेंट मूवमेंट मैंने चलाया है वो आपको कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना तो एक प्लीज़ कमेंट करें नीचे कमेंट सेक्शन में, तो मेरे को थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ या गलत। तो अभी करते हैं स्टोरी को स्टार्ट। तो जैसे यार मेरा CPL आया ना मेरे हाथ में, तो उसके बाद एक दो महीने बाद एयर इंडिया की एक वैकेंसी आई, ठीक है। तो वो उसमें हमने अप्लाई किया और सेम डे जिस दिन वैकेंसी आई उसी दिन हम निकल गए द्वारका के लिए। मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, तो मेरा दोस्त जो पलवल से ही है, दो पायलट और हैं, तो हम तीनों बैचमेट हैं ऑलमोस्ट कि एक एक साल पहला है, तो पर हमने तीनों ने पढ़ाई साथ में करी थी। तो हम उसकी गाड़ी से गए भाई, इतनी तगड़ी बारिश थी ना उसी दिन हमने घर ढूँढा और पढ़ने का पूरा मतलब सिस्टम कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ना है सब कुछ हमने उसी दिन अरेंज किया और पढ़ाई स्टार्ट करी। हमें लगभग 3 महीने हो गए थे भाई, 3 महीने ना हमने इतनी मेहनत करी थी। एक रूम था उसमें हमें नहीं पता चलता था, सच बता रहा हूँ, कि दिन कब हो रहा है रात कब हो रही है। बहुत पढ़ाई की थी हमने उस दौरान, पर अनलकी कि जो वो एग्ज़ाम था ना एयर इंडिया का, जिस जो वो वैकेंसी आई थी, आज तक 2017 से आज तक भी वो एग्ज़ाम हुआ नहीं है भाई। तो उसके बाद आई फिर ये, तो यहाँ स्टोरी ख़त्म होगी एयर इंडिया की, पर हमारा बहुत मन था उस टाइम पर एयर इंडिया में जाने का और बहुत होप थी कि यार चलो ऐसे टाइम पर वैकेंसी तो आई। तब वैकेंसीज इतनी आ नहीं रही थी, आ रही थी लेकिन स्टार्ट हुई थी बहुत स्लो हुई थी। तो फिर उसके बाद हमने फिर वैकेंसी आई इंडिगो में, तो भाई इंडिगो में मैंने एग्ज़ाम दिया, रिटर्न मेरा क्लियर हो गया और फिर इंटरव्यू का मतलब और उनकी जो स्टेजेस होती हैं उसके बाद हुआ पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट, उनका होता है कंपास बोलते हैं, जो कंपास था उस टाइम पर, और फिर उसके बाद एक ग्रुप डिस्कशन होता है। तो सब कुछ करने के बाद मेरा आया पर्सनल इंटरव्यू, तो भाई वो मेरा हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ माई कम्युनिकेशन स्किल्स। तो मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स उस टाइम पे ज़्यादा अच्छे थे नहीं, तो इंग्लिश में मेरे को बड़ी दिक्कत थी क्योंकि यार हम लोग ना हरियाणा से पढ़े हैं और हरियाणा में भी क्या सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं, तो भाई थोड़ी सी दिक्कत तो रहती है इंग्लिश की। तो फिर उसके बाद एक और वैकेंसी आई एयर एशिया की, एयर एशिया का एग्ज़ाम मेरा हो नहीं पाया था क्योंकि उस टाइम पर मैं बहुत बीमार हो गया था, तो मैं एग्ज़ाम देने ही बड़ी मुश्किल से पहुँचा था, तो रिटर्न ही नहीं मैं क्लियर कर पाया। मेरी लाइफ में एक सिंगल एग्ज़ाम वही है एयर एशिया का जो मैंने आज तक मतलब जिस एग्ज़ाम में मैं फेल हुआ हूँ किसी भी रिटर्न एग्ज़ाम में एयरलाइन के, मैं सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम वही है एयर एशिया का, नहीं तो मैं फिर किसी भी एग्ज़ाम में फेल नहीं हुआ। फिर से मैंने दिया था विस्तारा का, सेम जो एयरलाइन मेरे पास अभी है, तो विस्तारा का मेरा आया था स्टैंड बाय में। स्टैंड बाय के बाद फिर उन्होंने ना काफ़ी दिन बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया मेरे को, इंटरव्यू भी मेरा हो नहीं पाया था उस टाइम पर विस्तारा में भी। तो मेरी एक एयरलाइन एयर इंडिया तो निकली गई थी क्योंकि उसका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, और इंडिगो मेरा इंटरव्यू नहीं हो पाया और एयर एशिया में मेरा रिटर्न नहीं हुआ, फिर अगेन विस्तारा में भी मेरा इंटरव्यू नहीं हो पाया। तो यार बड़ा डिमोटिवेट सा हो गया था। सेम टाइम मीनवाइल मेरा जो फ्रेंड था जो हमने तैयारी करी थी, तो उसका इंडिगो में हो गया था, जबकि मेरी रैंक 1 और उसकी रैंक 192 थी और मेरी रैंक थी 42 ओनली 42। पर नहीं हुआ था तो नहीं हुआ, पर थोड़ा सा बुरा लगता है यार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उसके लिए बुरा सोच रहा था, पर थोड़ा सा खुद को बुरा लगता है यार, साथ में तुम्हारे दोस्त का हो गया और तुम्हारा नहीं हुआ। किसी और का हो जाए तो ठीक है, दोस्त का हो जाए ना तो बड़ी दिक्कत होती है, सही बता रहे हो यार, सच बात बता रहा हूँ। पर चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने उसके बाद ना ऐसे करते करते मेरे को एक साल हो गया था, तो 2018 में मैंने सोचा यार ऐसे कुछ हो नहीं रहा तो टाइपराइटिंग करने चलते हैं। तो फिर मैंने यार टाइपराइटिंग के अपना पार्टनर ढूंढा, पार्टनर भी मेरे को मिल नहीं रहा था, तो एक नया TRTO मतलब ट्रेनिंग सेंटर टाइपराइटिंग का खुला था शारजाह में, और वो पहला ही बैच ढूंढ रहे थे। अब मेरे लिए डिसीजन लेना बहुत हार्ड था कि यार तुम पहले बैच में जाओगे, पता नहीं कैसी ट्रेनिंग होगी, कुछ भी आइडिया नहीं था रहन सहन कैसा होगा। पहली इंटरनेशनल फ्लाइट थी मेरी, मैं अगर जा रहा था तो मेरा वो फर्स्ट इंटरनेशनल टूर था किसी मतलब किसी भी तरीके से। उससे पहले मैं जहाज में भी नहीं बैठा था भाई, आपको बताऊं, बहुत बढ़िया स्टोरी है। मैं उससे पहले कभी भी ट्रांसपोर्ट कमर्शियल एरोप्लेन में नहीं बैठा था, बस मेरे को चलाना आता था ट्रेनिंग वाला जहाज, पर मैं बैठा नहीं था, मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया था, बस ट्रेन से जाते थे एग्ज़ाम देने। तो भाई मैंने फिर बात करी TRTO में, पैसे वैसे जमा कराए, यहीं से एक बंदा मिल गया था मेरे को, तो उन्होंने कर दिया काम। और फिर मेरा ही एक जो CPL के टाइम पे मेरे साथ मेरा एक दोस्त तैयारी करता था, मैंने उसको मनाया, तो पहले एक माना फिर दो मान के फिर हम तीनों का ट्रायो बना कि हम तीनों की टाइपराइटिंग एक साथ में होगी। तो ऐसे करके हमारा हो गया, दो बंदे और थे, टोटल 5 बंदे पहले बैच के लिए रेडी हो गए। और फिर
हम लोगों ने फाइनली मतलब कर दिया कि हम जाएंगे टाइपराइटिंग करके आएंगे फर्स्ट बैच में, देखेंगे जो भी होगा। तो भाई हम गए, तो पहली बार मैं जहाज़ में बैठ रहा था, पहली बार का जो जहाज़ था वो था एमिरेट्स का 777 इकोनॉमी क्लास। पर यार मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि पहली फ्लाइट 777 वो भी एमिरेट्स में। और भाई क्या मेरे को सही बताओ, पूरा प्रोसीजर भी नहीं आता था कि भैया कहाँ जाना है, किसको पासपोर्ट दिखाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स किसको दिखाने हैं, कैसे इमिग्रेशन होगा। तो मेरा दोस्त ने एक बार ट्रैवल किया था, वो भी डोमेस्टिक, तो हम दोनों ही लगभग ऐसे थे। पर ठीक है, हमसे हो गया था भाई। एक बार आप जब घुस जाते हो ना, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती रहती है एयरपोर्ट में, मुझे जो लगता है। एक दूसरे से पूछ लो नहीं तो बहुत ईजी है, ऐसा कुछ है नहीं। तो हम गए जहाज़ में, लैंड हुए, और वहाँ गर्मी थी बहुत तगड़ी है। मतलब यहाँ तो मौसम सही था और दुबई में बहुत गर्मी थी उस टाइम पे, गर्मियों के आई थिंक सेप्टेम्बर में मैं गया था, अगस्त में गया था, तो अगस्त में भी यहाँ काफ़ी गर्मी थी। तो पहुँचे वहाँ, रास्ते में जो हमारा ड्राइवर था वो पाकिस्तानी था। अब हमें, क्योंकि हम ट्रैवल 3.5 घंटे, मैंने तो पहली बार ही किया था, मेरा एक कान भी बहुत ज़्यादा बंद हो गया था भाई, खुल नहीं रहा था, और जाके 2-3 दिन बाद खुला था। तो जो ड्राइवर था ना, हमने उससे पूछा भाई आप कहाँ से हो, तो उसने बोला मैं पाकिस्तान से हूँ। तो मैंने उसे बताया कि मैं तो भाई पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ और पहली बार कोई भी मेरी इंटरनेशनल ट्रिप है। तो उसने बोला ठीक है सर, बहुत बढ़िया जेन्युइन बंदा था भाई। उसने बोला कि चाय पियोगे, मैंने कहा पी लेंगे भाई। तो उसने एक बढ़िया चाय वाली दुकान पे लगाया, और भाई देखो वो ड्राइवर था, ठीक है उसको पैसे ठीक ठाक मिलते होंगे, लेकिन उसने हमसे चवन्नी भी नहीं ली चाय पिलाने की, तो इतना बढ़िया इंसान था। उसने छोड़ा, उसके बाद हमारी ना जब तक मैं रहा ना उससे तगड़ी दोस्ती रही। जहाँ भी बोलते थे ज़्यादातर हमें ट्रेनिंग सेंटर वही लेके जाता था, क्योंकि होटल का ड्राइवर था। तो भाई फाइनली होटल पहुँचे, पहली बार मैंने बढ़िया सा एक रूम देखा कि हाँ ऐसा होता है होटल का रूम। मतलब लग रहा था कि धीरे धीरे हाँ तुम्हारे सपने सच हो रहे हैं, ठीक है आज टाइपराइटिंग बॉय नौकरी ज़रूर मिलेगी। तो भाई टाइपराइटिंग हमारी जब स्टार्ट हुई ना, पहले ग्राउंड क्लासेस हुई, हमें शुरू में एक फ्री आईपैड मिला, और आईपैड भी मेरे को बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में पहली बार हुई थी, तो आईपैड भी मैं पहली बार ही देख रहा था। मतलब मेरा खुद का आईपैड 32 GB था, ज़्यादा मेमोरी नहीं थी, लेकिन हाँ पढ़ने के लिए या वीडियोज़ देखने के लिए बढ़िया था, गेम भी खेल सकते थे। क्योंकि यार 45 दिन के लिए तुम बाहर गए हो तो टाइम पास के लिए भी चाहिए, मैं उस टाइम पे ये सोच रहा था। लेकिन जब हमारी टाइपराइटिंग स्टार्ट हुई ना एक्चुअल में, जब हमारे सेशन सिमुलेटर में स्टार्ट हुए, तो आपको बताऊं यार बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली। शाम को चक्कर आते थे यार। ऐसा हुआ क्यों, अगर हम दो ही बंदे होते ना तो नहीं होता ये, क्योंकि हम तीन बंदे थे ना, तो तीनों को कॉकपिट में रुकना पड़ता था। मतलब मेरे को लगा लो कि पहले अगर 4 घंटे रुकना था, मैं 6 घंटे रुकता था, 6 घंटे के बाद एक घंटे डीब्रीफिंग का, और उससे 1 घंटे पहले ब्रीफिंग का, तो 8 घंटे की हो जाती थी टाइपराइटिंग, और ऑलमोस्ट आधा घंटा जाने का आधा घंटा आने का गाड़ी से, तो 9 घंटे। 9 घंटे बाद भाई इतनी हिम्मत नहीं बचती थी कि आप कुछ पढ़ भी लो। पर जैसे तैसे थोड़ा बहुत पढ़ते थे, सुबह उठते थे फ्रेश रहता था दिमाग, तो थोड़ा बहुत कुछ देख लेते थे। तो ऐसे करके ना बड़ी मुश्किल से टाइपराइटिंग हुई थी, बड़े थक जाते थे यार। सबसे बड़ी दिक्कत यही थी थकने की, बाकी इंस्ट्रक्टर रहन सहन, उनका होटल और उनकी जो भी फैसिलिटी थी ना, एक नंबर थी। अब हो सकता है कि वो पहला बैच था इसलिए थी, या फिर वो था ही इतना अच्छा, पर हमारी टाइपराइटिंग एक नंबर हुई, सारा कुछ जेन्युइन था। जैसे मैं टाइपराइटिंग ख़त्म करी ना, अब आपको ना एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। हुआ क्या था कि मेरी टाइपराइटिंग ख़त्म हुई थी 12 सेप्टेम्बर को, ठीक है 13 सेप्टेम्बर को मुझे आना था यहाँ पे दिल्ली, मतलब मेरे घर। तो रात को हमने वहाँ पार्टी करी, क्योंकि 13 सितंबर को मेरा बर्थडे था, तो हमने वहाँ पार्टी करी। तो मेरे को लग गए थे लगभग 10 बज गए थे वहाँ पे, 10 या 9 के आसपास हो रहा था। तो मैंने सोचा यार अब, क्योंकि फ़्लाइट 3.5 घंटे की थी, 3.5 घंटे के आसपास, तो लकीली उस दिन टेलविंड भी मिली थी, तो 3 घंटे में हम दिल्ली पहुँच गए थे। अब मैंने 10 बजे के आसपास वहाँ अपने बर्थडे मनाया, 3 घंटे की फ़्लाइट, तो होना चाहिए था 1 बज जाने चाहिए थे, लेकिन इंडिया क्योंकि टाइम कम हो रहा था, तो भाई मैं 11 बजे के आसपास यहाँ पहुँच गया था, ठीक है 11 बजे के आसपास हम शायद पहुँच गए थे, और घर पे भी मैं पहुँचते 12 के आसपास ही बजे थे। मतलब मैंने टाइम निकलने के बाद भी 2 बार बर्थडे मनाया था उस दिन, कि जब 12 बजे क्रॉस भी हो गए थे, और फिर उसके बाद 11 बजे आके अपना बर्थडे 12 बजे आके बर्थडे मनाया था। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था, तभी मेरे को पता चला था उससे पहले, लेकिन मैंने पढ़ा था नेविगेशन में कि ऐसा भी होता है टाइम का, टाइम जोन्स की वजह से। तो यार यहाँ तक की स्टोरी थी मेरी टाइपराइटिंग तक की। आगे अब जो अगली स्टोरी होगी वो होगी जॉब तक की, नौकरी तक की, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगी कि कैसे कैसे मेरे को जॉब मिली। क्योंकि टाइपराइटिंग के बाद मैंने दो एग्ज़ाम दिए थे, दो में से एक में मेरे को जॉब मिली, तो मैं उसकी पूरी स्टोरी आपको बताऊंगा कि भैया कि कैसे हुआ था मेरा सिलेक्शन। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ मेरे को कमेंट करना, और मेरे को बताना कि हाँ अच्छी है,
यही लिखना। तो मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में। अब जो भी व्लॉग होंगे वो सुबह होंगे, मैंने आपको बता दिया है। अगले व्लॉग में मिलते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।